में बताना, जल और पानी ही मुझको पता है, राइट? सो वेलकम टू टुडे सेशन। नाउ गाइस, आई नो आज का सेशन होना था लाइव। आप बोल रहे होगे, मैम छुट्टी आपकी 5 दिन की खत्म, लाइव आ जाओ। तो गाइस, इट वाज सपोज टू बी लाइव, बट एज यू नो कि आज जब ये सेशन होगा, आई विल बी इन ऑफिस। ऑफिस में नो स्टूडियो वाज देयर, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस एट होम, रिकॉर्ड दिस एट होम, सो दैट आपको स्टूडियो फील आए, नहीं तो फिर आपको पता है कैसा सेशन होता है, राइट? जो सो जस्ट फॉर टुडे आई प्रॉमिस द लास्ट सेशन दैट इज गोना बी रिकॉर्डेड, उसके बाद सारे आपके सेशंस लाइव होने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू स्टिल वॉच दिस वीडियो, क्योंकि सिर्फ मुझको लाइव देखने के लिए आप वेदांतु 9th और 10th चैनल के पार्ट नहीं हो, आप हमारे चैनल के पार्ट इसीलिए हो क्योंकि आप बनना चाहते हो टॉपर स्टूडेंट, आप बनना चाहते हो 80% से 95% स्टूडेंट, है ना? यू वॉन्ट टू ब्रेक दैट सीलिंग एंड बिकम अ टॉपर, राइट? तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एज यू नो स्प्रिंट सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं कम से कम टाइम में। तो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठंड आपको लगेगी और आपको आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर टूडे सेशन, एंड एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो फुल्ली चार्ज्ड अप आफ्टर माई छुट्टी। शुरू करते हैं वाटर रिसोर्सेज। Let's start with the dose of motivation. Cherish yesterday, dream tomorrow, live today. कितना अच्छा है ना? समझ नहीं आया मुझे खास, बस यही है कि YOLO, you only live once, right? So guys, make sure that you study, you enjoy life, you listen to music, you smell the roses, you respect your parents, you follow your teachers, your educators, and बस जिंदगी अच्छी होती रहेगी, है ना? तो चलो शुरू करते हैं विद द स्केड्यूल ऑफ द वीक। नाउ गाइस, क्लास 10 के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले तो भाई क्या हो रहा है, आज हमारा होने वाला है एज यू नो द स्प्रिंटेक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा 9 बजे हमारा है टॉप 5 स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो आई नो कि काफी सारे बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स या कोई एग्जाम्स आ रहे होंगे, नाम अलग अलग होंगे हर स्कूल के, तो एक्चुअली आपको क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए इस पॉइंट पे, सो दैट आप जिस पॉइंट पे हो, लेट्स से आप 80% पे हो, 75, 55, 65, 95, जिस भी परसेंटेज पे हो, उससे आपका थोड़ा बूस्ट अप हो परफॉर्मेंस। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट, ठीक है? तो हम वो करेंगे, एंड देन मैं आपका लेने वाली हूँ, ओह ये यहाँ क्यों आ गया, सरप्राइज टेस्ट पर। किस चैप्टर पे वो सरप्राइज टेस्ट होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सरप्राइज है। तो लेट्स सी आपको क्लास 10 कितना आता है, एंड देन वी आर गोना डू नेशनलिज्म इन इंडिया का स्प्रिंट सीरीज। एंड एज अ लॉट ऑफ यू सेड कि मैम एग्रीकल्चर करा दो, तो मैं एग्रीकल्चर का फुल चैप्टर सेशन लूंगी संडे को। हो सकता है वो रिकॉर्डेड हो सकता है वो लाइव हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगी एक सेशन में। क्यों एक सेशन में, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे बोला कि इट इज कमिंग इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन, सो आई थॉट लेट्स फिनिश दिस चैप्टर ऑफ एंड फिर उसके बाद हम इसके बीच के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? मजा आया सुन के पूरा वीक का स्केड्यूल? चलो इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। स्प्रिंटेक्स की बात करें तो इस हफ्ते 2 स्प्रिंटेक्स है आपके। पहला तो है पानी, वाटर रिसोर्सेज, और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? गाइस, स्प्रिंटेक्स सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बार बार बच्चे क्या करते हैं कि रटते हैं और चले जाते हैं, बट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, वो ओरिएंटेशन सीख नहीं पाते। अच्छा, वो सीखते नहीं है तो सब कुछ आते हुए भी यू लूज आउट ऑन मार्क्स, विच इज सो सैड, है ना? कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी, सारी नॉलेज होने के बाद भी आपको टीचर मार्क्स नहीं देती, क्योंकि आप आंसर फ्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि आपने आंसर प्रैक्टिस नहीं की होती। जिससे आपके साथ ऐसा ना हो, मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द स्प्रिंटेक्स सेशंस, ठीक है? ज्ञान काफी बांट लिया है,
वीडियो को इसी बात पे थम्स अप दे दीजिए अगर अभी तक नहीं दिया है। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वेदांतु दिख रहा है ना, नहीं तो मुझे सैलरी नहीं मिलती। वेदांतु यूट्यूब लिखा है यहाँ पर, सुन रहे हो वेदांतु। एनीवेज मजाक था। Subscribe to the channel, guys. Do not forget to subscribe to the channel and share this video with your friends. Make sure to share it so that people can watch my video. नौकरी बनी रहे हमारी सबकी and आपकी पढ़ाई भी। ज्यादा honesty हो रही है आज की वीडियो में, क्यों पता नहीं, क्यों होनी नहीं चाहिए इतनी। यही होता है, इसलिए आई डोंट लाइक टू टेक रिकॉर्डेड सेशंस, बिकॉज मैं कुछ भी बोलने लगती हूँ, कोई कोई बातें करने के लिए नहीं है तो फिर। एनीवेज क्या हो रहा है भाई, कैमरा भी शर्मा गया मुझसे, कैमरा भी शर्मा रहा है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद राउंड नंबर वन, द कूल ऑफ राउंड। जल्दी से आंसर मुझे चैट बॉक्स में दे दो। यू हैव गॉट 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। Which one of the following is not an adverse effect of irrigation? Adverse मतलब गलत, बुरा है ना, बुरा effect क्या नहीं है irrigation का? Irrigation changes the cropping pattern, ये बिल्कुल सही बात है, और ये बुरी चीज भी है। पहले जो farmers अच्छे अपने soil के हिसाब से crops grow करते थे, आज farmers cash crops grow करने लगे हैं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स आर ग्रोन इन एरियाज, ये भी सही बात है, ये भी एक एडवर्स बुरा इफेक्ट है इरीगेशन का। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से सॉइल जो है वो सॉल्टी हो रही है, नमकीन हो रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसका मतलब नमक की जगह सॉइल को क्यों ना हम डाल दें सब्जी में, क्या कोई ये बच्चा कह रहा है या सिर्फ मैं ही हूँ? एनीवेज, इंक्रीजेस क्रॉप ईल्ड, तो हाँ भाई ये इंक्रीज करता है इरिगेशन जरूर हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाता है, पर ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों ने सही जवाब दिया प्लीज बताइए मुझे अभी चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ, मेरी आत्मा देख रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, agricultural fields which are used as rainfed storage structures are called। बहुत जगह जो agricultural field है वहीं पर थोड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है so that बारिश के टाइम वहाँ पर पानी सेटल हो जाए, नीचे aquifers जो आपका ग्राउंड वाटर है वहाँ चला जाए, soil को moist कर दे, तो इसको क्या बोला जाता है? कुल बोला जाता है, तो कुल नहीं, कुल्स होते हैं ऐसे irrigation channels होते हैं हिमालयाज वगैरह हिमाचल में यूज होते हैं, जिसे पानी इन चैनल से फील्ड में चला जाए, तो दिस इज रॉन्ग, रिचार्ज पिट्स इज रॉन्ग, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। खादिन्स एंड जोहाज इन राजस्थान इज करेक्ट। सही था आप लोगों का आंसर? हाँ, क्या अजीब सा बिहेवियर हो रहा है मतलब। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, धूप आ रही है इस साइड से। भाखरा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? सतलज ब्यास रिवर, रावी चेनाब रिवर, गंगा रिवर या सोन रिवर? जल्दी से बता दो। भाखड़ा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट विच इज इन विच स्टेट एंड विच रिवर? इट इज इन सतलज ब्यास रिवर। मैं थोड़ी मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, बट इट्स, तो यू विल टेल मी एज होमवर्क क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेट इन विच इट इज। ऐसा नहीं है मैं भूल गई हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ एज होमवर्क क्वेश्चन। ऑलराइट, What is the contribution of hydroelectricity in the total generation of electricity? Hydroelectricity काफी use किया जाता है इंडिया में, बताइए जी। काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में। Yes, the answer is 22%. Good job. Which of the following hydraulic structure is built in river basins? Hydraulic क्या क्या मतलब है? Water related कोई structure कहाँ बनता है? तो कोई भी ऐसे structure को जो river basin में, river basin मतलब जहाँ से river जा रही है ना? Wash basin क्या होता है? जहाँ पर आप hand wash करते हो उस पूरे को wash basin बोलते हैं, जहाँ से आपका hand wash का पानी जा रहा है, वैसे ही जहाँ पर river drain हो रही है उस पूरे को river basin बोला जाता है। तो hydraulic structure हुआ आपका dams। सही जवाब दे रहे हो चैट बॉक्स में, मजा आ रहा है, जल्दी से बता दो राउंड वन में कितने मार्क्स, 5 क्वेश्चंस पूछे मैंने आपसे अभी तक है ना,
आई थिंक आउट ऑफ 5 हाउ मच हैव यू गॉट? 4, 3 बेटा 3 से कम आए तो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, है ना, जरूरी है पढ़ाई करना आपके लिए. चलो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड राउंड ऑफ दिस स्प्रिंट सेशन, द कूल डाउन राउंड. ऑन विच रिवर हैज द हीराकुड डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? जल्दी से स्टेट बता दो चैट बॉक्स में. हीराकुड डैम है ओडिशा में और रिवर है महानदी. सही बोली मैं. राइट 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. अब आप पता है क्या कहोगे, मैम जो मम्मी बॉटल देती है उसमें फ्रेश वाटर होता है, हमारे घर का जो नल है वहां से फ्रेश वाटर आता है, और जब हम खून के आंसू रोते हैं, जब मार्क्स कमाते हैं, वो भी तो फ्रेश वाटर ही है. ऐसे आंसर लिखोगे तो मिलेगा आपको अंडा, उसका बनाना ऑमलेट. क्या आज अलग ही मेरा जोन चल रहा है. ओके सो द गाइस द 3, एज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी इन द चैट बॉक्स, द 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेसिपिटेशन, जो आपको बारिश से मिलता है, सरफेस वाटर मतलब जो सरफेस पे है हमारे रिवर में, हमारे लेक्स में, और ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड है, जो बारिश की वजह से स्टोर हो जाता है. ठीक है, अच्छा इसका एक और वर्ड है अंडरग्राउंड एक्विफर्स, ये याद रखना द वर्ड एक्विफर, ठीक है, भूलना मत. Alright, next question. मजा आ रहा है, मतलब I hope आ रहा हूँ. The dams that were constructed to control floods have triggered floods. Analyze the statement. बताओ. मैं एक बहुत अजीब सा जोक मारने वाली थी, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है. ठीक है, द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स. इसका मेन रीजन आप क्या बोलोगे चैट बॉक्स में मुझको तुरंत बताओ, एंड फाइंड आउट इफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. सबसे पहले आप बोलोगे हैवी रेनफॉल. आप कहोगे ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल जो है डैम्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, लीडिंग टू मोर एंड एक्सेसिव फ्लडिंग. दूसरा, आई एम श्योर आप काफी बच्चों ने बोल दिया होगा, पुअर सेडिमेंटेशन. पुअर सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी है ये नदी, है ना, यहां पर आपने बना लिया है डैम, इस डैम के वजह से पीछे हो गया है आपका काफी ज्यादा सेडिमेंटेशन, हुआ जा रहा है सेडिमेंटेशन, हुआ जा रहा है, तो आपका अनइवन बेड हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, तो पानी का लेवल भी ऊपर होने लगता है और यहाँ आसपास फ्लडिंग होने लगती है. कभी कभी इस पानी इतना ऊपर हो जाता है कि आप पानी जब आप निकालते हो तो यहाँ भी फ्लडिंग हो जाती है. तो पुअर सेडिमेंटेशन इज अनदर यू नो रीजन. तो रिवर रेगुलेशन एंड डैमिंग ऑल्टर द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, रिजल्टिंग इन पुअर सेडिमेंटेशन फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द रिजर्वायर बॉटम. काफी, एक तो पुअर सेडिमेंट फ्लो, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली सेडिमेंटेशन हो रहा है, ऊपर से जो आपका रिजर्वायर है डैम के पीछे वाला जो एरिया है वहां पर काफी ज्यादा सेडिमेंटेशन, ओवर सेडिमेंटेशन हो गया है, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स. काफी रॉकी स्ट्रीम बेड्स हो जाता है, पुअर हैबिटेट हो जाता है एक्वेटिक लाइफ का, सेडिमेंट बिल्डअप की वजह से फ्लडिंग हो जाती है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. हैवी रेनफॉल के, अच्छा डैम्स की वजह से वो एरिया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी, सॉरी अर्थक्वेक प्रोन भी हो जाता है. अर्थक्वेक प्रोन क्यों होता है? देखो अर्थक्वेक तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से होती है, बट जब ऊपर का स्ट्रक्चर वीक हो, जब लैंड वीक हो, तो वहां उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है ना. तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस की फ्लडिंग हो सकती है. क्लियर, समझ आया? चलो, वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट. अब जब मैं आपको वाटर स्कार्सिटी करा रही थी तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. ऐसा भी आ सकता है कि वाटर स्कार्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, एग्जामिन द स्टेटमेंट. वाटर स्कार्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, एनालाइज द स्टेटमेंट. तो आपको सारे रीजंस भी पता होने चाहिए और सारे रीजंस के जो नीचे के पॉइंट्स हैं वो भी पता होने चाहिए. ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है कि वाटर स्कार्सिटी इज अ आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्या ये क्वांटिटेटिव रीजन है वाटर स्कार्सिटी का या क्वालिटेटिव रीजन है? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से अगर हम देखें तो इट इज अ क्वांटिटेटिव, ये एग्जाम में आएगा नहीं बट जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव रीजन है. तो आप कहोगे एक तो ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड्स टू ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर, जाहिर सी बात है ज्यादा लोग तो ज्यादा पानी पिएंगे,
है ना, पानी पिएंगे, ऐसा तो है नहीं कहेंगे भाई हम ज्यादा हो गए पानी बिना पिए रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। दूसरा है ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ज्यादा डिमांड फॉर फूड होगा, एंड फूड ग्रेन्स अगर ज्यादा एग्रीकल्चर होगा दैट विल रिक्वायर मोर इरीगेशन, दैट विल रिक्वायर मोर डिमांड फॉर वाटर। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझो तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और राइट, मैं ऐसा बता दिया। अच्छा, आप ये भी बता सकते हो कि क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड होने लगा पानी का, तो जो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ है सिटीज़ में, वो लोग अपने अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में बोरवेल लगाने लगे हैं, तो ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा है। लार्ज इंडस्ट्रीज़, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कंजम्पशन बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी पानी यूज़ करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और अपना सामान बनाने के लिए भी। तो आंसर 5 मार्क करें, आप बढ़ा चढ़ा के बहुत चीजें लिख सकते हो, 2 मार्कर है तो आप ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिख दो। ऑलराइट, हाउ हैज द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया मेड वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि इंडस्ट्रीज ने कैसे पानी पे प्रेशर डाला है। तो सबसे पहले तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट बोल दोगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, 22%, है ना, हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी यूज होता है, पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज। दूसरी बात है कि जो वाटर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में, उसको रीयूज या रीसाइकिल नहीं किया जाता, वो पूरा वेस्ट हो जाता है। एंड वर्स देन दैट, जो आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होते हैं, उसको ड्रेन कर दिया जाता है, इट इज़ ड्रेन्ड विदाउट बीइंग यू नो विदाउट बीइंग प्योरिफाइड, विदाउट बीइंग ट्रीटेड, एंड वो हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है। अब इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो गाइस ये टॉपर का आंसर, चलो पढ़ते हैं साथ में। ये काफ़ी अच्छा टॉपर बच्चा है। देखो अलग अलग टाइप के टॉपर बच्चे होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल आंसर लग के भी मार्क्स ले आते हैं, पर ये असली में अच्छी राइटिंग भी है और प्रॉपरली इसने आंसर भी लिखा है। तो पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बाय सफिशिएंटली एक्सप्लॉइटिंग देम। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे वाटर पे प्रेशर डाला, उसको एक्सप्लॉइट करके। फिर पॉइंट नंबर ए, नियरली 22% ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इज यूज बाय इंडस्ट्रीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विदाउट एवर बींग रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। वाह क्या लाइन है। एक्विफर्स एंड रिवर वाटर इज एक्सप्लॉइटेड, एक्विफर्स मतलब इसके लिए ग्राउंड वाटर को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और नदी के पानी को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूज किया जाता है। द सेकेंड इज पानी को रिवर में छोड़ दिया जाता है विदाउट ट्रीटिंग, केमिकल रेडियो एक्टिव मटीरियल, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, उसको रिवर वाटर में डाल दिया जाता है। नियरली 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर पॉल्यूट्स 8 times फ्रेश वाटर, मतलब जब हम 1 लीटर, इसने डेटा भी यहाँ दे दिया है, मतलब अलग लेवल टॉपर बच्चा है। तो डेटा ये है कि 1 लीटर का जब आप गंदा पानी डालते हो रिवर में, तो वो 8 लीटर फ्रेश वाटर गंदा करता है ना। तीसरा है थर्मल पावर प्लांट से जब आप गर्म पानी विदाउट कूलिंग इट रिवर में डालते हो, तो उससे क्या होता है, जो रिवर का ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, इम्पैक्टिंग आर एक्वेटिक लाइफ, है ना, दिस डिप्लीट्स द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट कैन बी यूज्ड। तो 3 बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स दिए इस बच्चे ने। फिर लिखा है कंक्लूजन, दस इंडस्ट्रीज नीड टू अडेप्ट सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सेव देम। I think all of us should give a huge round of applause to this kid who has given such a perfect answer. आगे का IAS officer है ये, है ना, it has a proper introduction, 3 points and then conclusion की क्या call of action क्या है, industries को water resources को ठीक से treat करना चाहिए, right? So if you of course write an answer like that, very good. कैसे लिख सकते हो, if you properly remember points, है ना, तो आप ऐसा answer लिख सकते हो। अगर आप general याद कर रहे हो तो आप ऐसे points नहीं लिख सकते। Alright, now we come to round number 3. I hope all of you are ready. Ice cold. Why are multi-purpose river valley projects called the temples of modern India? Who made this statement? तो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, who made this statement?
जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बोला कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स या डैम्स जो है वो टेम्पल्स हैं, क्योंकि उन अगर यू नो डैम्स आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया बिकॉज इट विल टेक अस अवे फ्रॉम आर कोलोनियल पास्ट. दे आर गोइंग टू बी व्हीकल्स दैट विल लीड अस टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. उनका ये मानना था कि देखो डैम्स से एक तो एग्रीकल्चर, इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चरल कंट्री ना, अभी भी है पर तब तो बहुत ज़्यादा था, तो फार्मर्स को इरीगेशन फैसिलिटीज मिलेगी, फार्मर्स का उद्धार होगा, डैम्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा जिससे इंडस्ट्रीज का फायदा होगा. तो टू मेजर व्हील्स ऑफ एनी इकोनमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो इंडस्ट्री हो, दोनों का उद्धार डैम से होगा. दैट इज वाई ही कॉल्ड डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट. डैम्स और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर स्कार्सिटी से हमको बचाता है, इरीगेशन फैसिलिटी में हेल्प करता है, फ्लड को रेगुलेट करता है छोटे डैम्स एटलीस्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो, रिक्रिएशन के लिए यूज होता है, इनलैंड नेविगेशन, मतलब एक बार आपने डैम बना लिया, रिजर्वायर बना, वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो, तो लैंड के अंदर जो नेविगेशन है वाटर के थ्रू उसको इनलैंड नेविगेशन बोलते हैं. फिश ब्रीडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं. बहुत बार लोग इस रिजर्वायर में फिशिंग करते हैं, फिश को ब्रीड करते हैं, एंड यू नो दैट इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गुड, अपने आप को गुड कह रही हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन आई हैव पुट इन द स्लाइड्स. व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन एंशिएंट इंडिया. गाइस ये लास्ट ईयर आया था एग्जाम में. लेट मी टेल यू, अगर मैं होती स्टूडेंट तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाती, मैं दूसरा ऑप्शन चूज करती, क्योंकि ना ये मैं कभी, मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई डिड नॉट मुझे याद ही नहीं हुआ ये पार्ट, तो मैं नहीं करके गई, बट करके जाना क्योंकि यहाँ से सैम्पल पेपर में भी इस बार क्वेश्चन आया है, राइट. तो सबसे आप पहले आप बोलोगे फर्स्ट सेंचुरी में अलाहाबाद में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे रिवर वाटर जो है गंगा रिवर उसको चैनलाइज किया गया. दूसरा है चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम भी डैम लेक इरिगेशन सिस्टम एक्सटेंसिवली बनाया गया. फिर हमने देखा कि कालिंगा डायनेस्टी उड़ीसा में या बेनूर इन कर्नाटका, कोलापुर इन महाराष्ट्र के टाइम भी काफ़ी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए. भोपाल लेक वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी एज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम. 14th सेंचुरी में हौसघास में सुल्तान इल्तुतमिश ने भी दिल्ली में यू नो वाटर सप्लाई किया इन द सिरी फोर्ट एरिया. थोड़ा सा याद कर लो. आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस दिस एंड दिस एंड दिस, तो सब कुछ ही हो गया. ऑलराइट, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने नहीं दिया, जल्दी से दे दो, मैं पानी पी रही हूँ. ऑलराइट, डिस्क्राइब एनी फोर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसको आप लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्या है डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड, जल्दी से मुझे बोल दो इन द चैट बॉक्स. गुल स्कूल सिर्फ नाम बोल दो अभी के लिए. खादिन्स एंड जोहार्ड्स, फिर टंका इन राजस्थान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक और बोल सकते हो, थिंक 5 points बोल सकते हो. नॉर्थ ईस्ट में देखे तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन. एनी अदर पॉइंट दैट आई एम मिसिंग? हाँ, चैट बॉक्स में बता दो इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट आई एम मिसिंग. तो चलो देख लेते हैं. गुल्स एंड कुल्स, जिसमें आपको पता है कि आप ऐसे इनंडेशन इरिगेशन चैनल्स बनाते हो वेस्टर्न हिमालयाज में, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बंगाल में भी आप इनंडेशन चैनल्स बनाते हो जिससे पानी जो बारिश का है वो फील्ड तक जाए. खादिन एंड जोहार, जिसमें फील्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर. टंकाज राजस्थान में, जहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, पानी को टंका में स्टोर किया जाता है, उसे नीचे का जो कमरा है वो ठंडा भी रहता है और उसको पालर पानी बोला जाता है, वन ऑफ द प्योर वाटर्स दैट यू कैन ड्रिंक. एंड बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो 200 साल पुराना है, बैम्बू के प्लांट से बनता है जिसे ड्रिप बाई ड्रिप पानी को यूज किया जाए फॉर इरीगेशन. ऑलराइट,
Guys, we have finished 3 rounds of this chapter. Please tell me honestly how much you would grade yourself. इस पॉइंट तक, एंड तक आते आते आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Multi-purpose projects have transformed the social landscape. Very important question, guys. सारे important है, but ये काफी important question है. कैसे किया multi-purpose? Social landscape क्या 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 मतलब? कि हमारे समाज किस तरीके से वर्क करता है उसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ने ट्रांसफॉर्म किया है. तो कैसे बोलोगे आप? सबसे पहले बोलोगे इट हैज अन इक्वल बेनिफिट. आप कहो या इन इक्वल जो भी है, इसमें आप बताओगे कि देखो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स ने सबको इक्वली बेनिफिट नहीं किया. जो लैंडलेस फार्मर्स है, जिन पे लैंड नहीं है, या फिर जिनको इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिली है ना, दे बिकेम मोर पुअर. और जिन फार्मर्स को मल्टीपर्पस डैम से इरिगेशन फैसिलिटी मिली, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिले, दे आर एबल टू प्रॉस्पर. एंड द डिवाइड बिटवीन द रिच फार्मर्स, द पुअर फार्मर्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स हैज ग्रोन. ठीक है, तो डिवाइड बढ़ गया है, अनइक्वल बेनिफिट हुआ है. दूसरा हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस हैज लेड टू अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न. तो हम बोल सकते हो कि जिन फार्मर्स को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स मिले, इरिगेशन फैसिलिटी मिली है, दे हैव बीन एबल टू शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स, जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा है. दैट हैज लेड टू अ शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न, और सॉइल भी सैलाइन होने लगी है. यू नो यू कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट? तो सोशल गैप इंक्रीज हो गया है. अच्छा, वन मोर थिंग, थर्ड यूटिलाइजेशन. ठीक है, यूटिलाइजेशन क्या है? आप कहोगे कि देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम्स को यूज कैसे करना है, इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, शुड इट बी यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अर्बन एरियाज और फॉर इरिगेशन, या शुड द वॉटर बी यूज फॉर अर्बन एरियाज या फार्मर्स? दैट हैज बीन अ मेजर इशू. एंड द फोर्थ इज फाइनली इज अ स्टेट इशू, कि स्टेट्स के बीच में लड़ाई करवा दी है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ने, राइट? सो ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि कैसे सोशल लैंडस्केप को चेंज किया है. All right, next question is, three-fourths of the earth's surface is covered with water, but there is still scarcity of water across the globe. Explain, guys, ये तो बहुत ही आसान है ना? Water scarcity के 3 reasons पूछे. तो जल्दी से बता दो, increasing population, industrialization, increasing population and urbanization लिख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख सकते हो, और राइट ग्रोइंग पॉपुलेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज्यादातर कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करने के वजह से, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होने के वजह से वाटर वाले क्रॉप ज्यादा यूज करने लगे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हो, अर्बनाइजेशन बोल सकते हो, एंड यू कैन राइट अ लिटिल बिट अबाउट इट. इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी डिस्कस कर लिया है, सो यू गाइस कैन राइट अबाउट इट. इंडस्ट्रियलाइजेशन में यू कैन टॉक अबाउट हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है. भाई जो हमने बात की है, पानी को हम लोग रिवर में डाल सकते हैं विदाउट ट्रीटिंग एंड डालते हैं विदाउट ट्रीटिंग एंड ऑल ऑफ that. All right, so guys, that was the entire spring session of the chapter water resources. I want you to tell me, if you have to grade yourself out of 10, to aapko kitne marks aayenge aaj ke session mein? Truthfully bata do, right? Jaldi se video ko thumbs up de do, jaldi se hum homework question dekh lete hain. Why is rooftop rainwater harvesting important in Rajasthan? Explain. Aur aaj kal rooftop rainwater harvesting ki popularity badi hai, kam hui hai, एंड उसका क्या रीजन है, ये सब आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. अगर आप क्लास 9 में हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विदांतु क्लास 9. आई हैव माई ओन SST चैनल विदांतु SST 9th एंड 10th. गाइज, उसके वीडियोज भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, मेक श्योर दैट यू वॉच इट. दैट्स इट, बाय बाय, हैव एन अमेजिंग डे, लव ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.